हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीडीएस कल्याण क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मिरर। ओके, मिरर। डियर स्टूडेंट्स, अ मिरर इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट द लाइट एंड फॉर्म द इमेज इन फ्रंट them, okay, and it is a type of glass which is formed on applying a silver layer over paint on other side and form a mirror. Means हमारा mirror क्या होता है, एक तरह का glass होता है जिसके एक side हम silver या किसी paint का lap लगा करके उसको हम क्या बना देते हैं, मिरर बना देते हैं। खास करके हम उसमें सिल्वर का ही लेप लगाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिरर आर फॉलोइंग टू टाइप्स। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह होते हैं। नंबर वन, सपोज दैट दिस इज अ स्फेरिकल मिरर। एक क्या हमारा है, एक स्फेरिकल मिरर है। ओके, इसको हमने क्या कर दिया, दो टुकड़ों डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्लास है, सॉरी, ये हमारा क्या है, ग्लास है। इसको हमने क्या कर दिया, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, जब लैप को इसके अंदर लगाया गया और एक बार क्या हुआ, इसके बाहर। ओके, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज अ कॉनकेव मिरर। तो डियर स्टूडेंट्स, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, मिरर टू टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दोनों में अंतर क्या है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्ड देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। यदि किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, अंदर की तरफ झुका हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। और यदि किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका आउट ग्रोथ उभरा हुआ भाग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉनवेक्स मिरर कहेंगे। ओके, मीन्स यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर तो झुका हो, इनवर्ड हो, तो उसे हम कॉनकेव कहेंगे। और यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरे हुए भाग तक की तरफ हो, तो उसे हम कॉनवेक्स मिरर कहेंगे। ओके, लेट्स बी सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ कॉनवेक्स कॉनकेव मिरर, सॉरी, ये क्या हमारा है, कॉनकेव मिरर है। ओके, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। जिसमें डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मिरर को हम क्या लिखते हैं, एमएम डैक्स, ये हमारा मिरर है। और ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है। कौन सा, एक्स, एक्स डैश, दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पी, कॉल्ड एज पोल। इसे क्या कहते हैं, पोल ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज स्ट्रेट लाइन, दी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्स डैश व्हिच इज ट्रेवलिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस। वह सीधी रेखा जो मिरर के पोल से होकर गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सेस।
प्रिंसिपल एक्सिस, ओके प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ओके एंड द पॉइंट थ्रू व्हिच आ प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल इज कॉल्ड एज पोल। मिरर के बीच का वह पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस होकर गुजरता है उसे पोल कहा जाता है। दिस इज द फोकस, ये क्या है आपका फोकस है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अ फोकस, ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अ फोकस, दिस इज अ पोल एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज अपर्चर, से क्या कहते हैं हम लोग अपर्चर कहते हैं, ओके दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर। डियर स्टूडेंट्स इफ आर ए ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पहले जाती है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है, कहाँ जाती है फोकस से। इफ आ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके यदि कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाती है तो वह रिफ्लेक्शन बाद कहाँ जाती है इसके फोकस से जाती है, ओके ना अंडरस्टूड। और यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से जाती है तो वह रिफ्लेक्शन बाद क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है, अंडरस्टूड पैरेलल जाती है तो फोकस से जाती है, फोकस से जाती है तो पैरेलल आती है, ओके। और यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो या उसी रास्ते पे लौट जाती है, ओके दिस इज दी सम रूल्स एंड सम पॉइंट्स ऑफ दी मिरर। दिस डिस्टेंस दिस इज सी दिस इज एफ, तो डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है, ओके जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, और ये दूरी को हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है दुगना होता है, या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आधा होता है, ओके सो दिस आर दी सम पॉइंट्स ऑफ द मिरर एंड द रूल ऑफ द मिरर दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट कम गो टू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड इफ इट ट्रेवल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट ट्रेवल टू द फोकस ऑफ द मिरर देन इट कम बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ओके तो कुल मिला जुला के अब कह सकते हैं कि यदि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद यह क्या होती है फोकस से जाती है, और कोई फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन बाद यह क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है, और यदि कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर जाती है तो उसी रास्ते पर क्या होती है लौट जाती है, ओके दिस इज दी सम रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट how an image is formed and what happens when ray of light traveling to the parallel of the principal axis and traveling to the focus of the principal axis and traveling to the center of curvature of the mirror and how an image is formed and how we can form the mirror and what are the types of the mirror, so watch this video carefully and draw this diagram in your copy
So thank you, have a nice day.